हेलो एंड वेलकम। चाय पीना किसे पसंद नहीं, हमारी तो सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। दिन भर चाय की चुस्कियाँ लेना या प्याले भर भर कर चाय पीना हमारी आदत में शुमार हो चुका है। चाय एक ऐसा पेय है जो दिन घड़ी मौसम वजह से परे है। चाय की अपनी खूबी होती है, चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है अगर उसे सही तरीके से पिया जाए और बनाया जाए, लेकिन हम भारतीय इसमें दूध और शक्कर डालकर उसके सारे गुणों को नष्ट कर देते हैं और उसे बना देते हैं एक टॉक्सिक ड्रिंक, और इसी वजह से वो टॉक्सिक ड्रिंक बन जाता है स्लो पॉइज़न। अगर आपने चाय पीना बंद नहीं किया तो ये स्लो पॉइज़न धीमा जहर अपना असर ज़रूर दिखाएगा सूनर और लेटर। कैसे ये धीमा जहर हमें नुकसान पहुंचाता है, चलिए जानते हैं। चाय पेट को नुकसान पहुंचाकर डाइजेशन पावर को कम करती है, और जहां डाइजेशन पावर कम हो जाती है, खाने को पचाने की क्षमता कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, वहां पनपती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, और पेट बन जाता है रोगों की जड़। शरीर में ब्लड को कम करती है ये चाय, तो अगर आपको एनीमिया है चाय बिल्कुल बंद कर दें, ये आपके खून को और कम करेगी। चाय की मलाई जिसे कई लोग खाना पसंद करते हैं, असल में निकोटिन की परत होती है जो आंतों में विकार पैदा करती है, आंतों को नुकसान पहुंचाती है। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी होती है, पेट में सीने में जलन होती है। तो आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, कुछ खाने के बाद ही चाय पिएं, और जिन्हें एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है उन्हें तो बिल्कुल तुरंत चाय बंद कर देनी चाहिए। चाय पीने से दिल की धड़कन बढ़ती है और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो फिर चाय बिल्कुल नहीं पीजिए। चाय में टैनिन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करता है, और अगर बॉडी में आयरन नहीं होगा तो फिर ब्लड अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा, ब्लड की कमी रहेगी। जिन लोगों को नींद कम आती हो उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से नींद में कमी आने लगती है। यही वजह है कि सुबह उठते ही या अपनी नींद से उठते ही अब खुद को फ्रेश करने के लिए हम चाय पीते हैं। हमें लगता है कि हम एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे चाय पीकर, जो कि असल में एक मिथ है, क्योंकि चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हो जाते हैं उसमें दूध और शक्कर मिलाने से, जिसकी वजह से हमें कुछ देर तक तो फ्रेशनेस लगती है लेकिन उसके बाद में वो अपना असर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाने लगती है। तो नींद, जिसे इंसोमनिया नींद की प्रॉब्लम है, वो चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे नींद और कम हो जाएगी, आपकी समस्या और बढ़ती जाएगी। अगर आपको हाई बीपी रहता है तो भी आप चाय बंद कर दीजिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी चाय नुकसान पहुंचाती है। चाय पीने से शरीर में थकान व कमज़ोरी का एहसास होता है, साथ ही इससे धीरे धीरे स्ट्रेस डिप्रेशन जैसे गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होगा हर वक्त थकावट बनी रहेगी, नींद में कमी आएगी, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐसे शरीर में घर करेंगे ही। जिन लोगों को जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहता हो उन्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय के ज़्यादा सेवन से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि चाय हमारे यूरिन में यूरिक एसिड को बढ़ाती है जिससे अर्थराइटिस जैसी परेशानियाँ जन्म लेने लगती हैं। यदि आप चाय बिल्कुल बंद नहीं कर सकें तो नींबू की चाय पीना शुरू कर दीजिए। चाय को बॉईल करिए पानी में और उसमें नींबू डालिए, लेमन टी बनाइए और आप उसे पीजिए। उसमें आप थोड़े चाय ल्यूक वार्म होने पर आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं उस चाय में। ये चाय आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, लेकिन अगर आपको वही दूध वाली चाय ही पसंद आती है तो उसकी मात्रा कम कर दीजिए। मतलब जहाँ आप दिन भर पीते थे या थोड़ा थोड़ा पीते थे दिन भर में, वहाँ आप पूरे दिन में 1 से 2 कप तक लिमिट कर दीजिए चाय को। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, चाय कभी भी आप खाली पेट नहीं पिए, भले ही आप 1 कप भी पी रहे हो दिन भर में, आधा कप भी पी रहे हो, उसे कभी भी खाली पेट नहीं पिए। कुछ ना कुछ उसके पहले कुछ स्नैक्स ले लीजिए, कुछ ऐसा खा लीजिए, 1-2 बिस्किट खा लीजिए, लेकिन खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं पिए।
कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।